नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, गूगल फ़ोटोज़ आप सब यूज़ कर रहे होंगे और आप जानते हैं कि गूगल फ़ोटोज़ ने 1 जून से जो है अपना नया अपडेट जारी किया था, जिसमें कि आपको बोला गया था कि ये अपने फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज को अब जो है बंद कर दिया है। ठीक है, फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आप जब गूगल फ़ोटोज़ को यूज़ कर रहे थे जून महीने से पहले तक, तो आपको इसमें जो है स्टोरेज के लिए कोई लिमिट नहीं था। आप जितना मर्जी इसमें फ़ोटोज़ वीडियोस आप इसमें स्टोर करके रख सकते थे। अगर आप हाई डेफिनेशन मोड में आप वीडियोस को अपलोड करते हो तो ओरिजिनल साइज़ में करेंगे तो आपको 15 GB का लिमिट था। अब क्या किया गया कि वही 15 GB का लिमिट जो है हर कैटेगरी पर अप्लाई कर दिया गया है। अगर आप हाई डेफिनेशन मोड में भी फ़ोटोज़ को अपलोड करोगे तो आपको 15 GB स्पेस में से ही वो चीज़ काउंट होगा। अब जो है ये फ्री वाला जो स्टोरेज का जो सिस्टम था वो बंद हो गया है। अब ऐसे केस में अब बहुत सारे यूज़र्स चाहते हैं कि वो गूगल फ़ोटोज़ से अपना डेटा को डाउनलोड करके किसी और प्लेटफॉर्म पे इसको सेव करना चाहते हैं। ऐसे अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप अपने गूगल फ़ोटोज़ का सारा डेटा, चाहे वो जितना भी डेटा हो, 10 GB, 20 GB, 50 GB, जितना भी डेटा हो, आप उसको एक साथ जो है एक जिप फाइल में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको चाहे तो आप कहीं पर भी डाउनलोड होने के बाद आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर आप इसको आराम से अपलोड भी कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए, आपको इसमें सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मेरा गूगल फ़ोटोज़ है, इसे मैंने खोल के रखा हुआ है और मैंने एल्बम वाला सेक्शन खोल के रखा है। गूगल फ़ोटोज़ का एल्बम यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारा एल्बम यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब सपोज़ इसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर एल्बम को बैकअप करना है अपने वापस अपने लैपटॉप में, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं चलो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला जो थर्ड एल्बम यहाँ दिख रहा है, एवेंजर्स एंड गेम एट PJP, ओके, ये वाला जो है हम एवेंजर मूवी देखने गए थे, उस समय हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। ये लॉकडाउन से पहले का ये फ़ोटोज़ है। अब सपोज़ मैं इस पूरे एल्बम को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं एल्बम खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए टोटल 52 आइटम्स हैं, यानी टोटल 52 फ़ोटोज़ हैं। मैं एल्बम भी खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा हमारा एल्बम, ओके। इसमें आप देख सकते हैं कि 52 फ़ोटोज़ इसमें मैंने डाल के रखा है इस एल्बम में। अब इसको जो है मुझे एक साथ बैकअप करना है, ठीक है। ये तो बस एक एल्बम का एग्जांपल है, अगर आपके पास बहुत सारा एल्बम बना हुआ है तो एक साथ आप कैसे उसको बैकअप करेंगे वो मैं आपको इस प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, नया टैब पे जाइए, वहाँ पर लिखिए takeout.google.com, TAKEOUT, takeout.google.com लिख के एंटर प्रेस करिए। अब आपको यहाँ पर अपना गूगल आईडी से लॉगिन करने बोला जाएगा, तो आप वही गूगल आईडी यूज़ करिए जिसमें आप गूगल फ़ोटोज़ वगैरह सेव करके रखते हैं। गूगल फ़ोटोज़ का जो आईडी है, यानी जो भी जीमेल आईडी जिसमें आपने अपने फ़ोटोज़ सेव करके रखा है, उस आईडी को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मेरा आईडी है ये, देखिए। अब लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू एक्सपोर्ट, ओके। अब यहाँ से पहला स्टेप है सेलेक्ट डेटा टू इंक्लूड, आपको किस डेटा को एक्सपोर्ट करना है। तो आपके गूगल सर्विसेज़ के जितने भी डेटा है तो वो सारे यहाँ पे सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। जैसे ब्लॉगर, क्रोम, ओके, जितना भी सर्विसेज है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ड्राइव। तो मुझे सबका डेटा बैकअप नहीं करना है, मुझे सिर्फ अभी गूगल फ़ोटोज़ का करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे डी सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, इससे होगा ये कि सारे सर्विसेज जो है डी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, गूगल फ़ोटोज़ को खोजिए कहाँ पर है, आपको नीचे मिल जाएगा। स्क्रॉल करते जाइए, ये देखिए फ़ोटोज़, गूगल फ़ोटोज़ ये मिल गया। अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर टिक लगा दीजिए, मतलब आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर पूछेगा कि ऑल फ़ोटोज़ एल्बम इंक्लूडेड, अगर आप इसको ऐसे रहने देते हैं तो सारा गूगल फ़ोटोज़ का जितना एल्बम है वो सारे को ये एक्सपोर्ट कर देगा एक ही बार में। और अगर आपका रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर एल्बम को, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया था कि मुझे पर्टिकुलर यही वाला एल्बम एवेंजर एंड गेम एट PJP, ये वाला एल्बम मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्पेशली यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ऑल फ़ोटो एल्बम इंक्लूडेड, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जितने भी एल्बम्स आपके हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे, तो मैं सबको डिसलेक्ट कर देता हूँ और मुझे अपना वो एवेंजर एंड गेम वाला जो एल्बम था वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ये देखिए हमारा वो एल्बम हमें यहाँ पे मिल गया, 2019 5/14 एवेंजर एंड गेम, जो ये वाला एल्बम का नाम है 2019 5/4 एवेंजर एंड गेम। ये एल्बम को हमें यहाँ पे टिक लगा देना है, इसको हमें
टिक लगा के फिर नीचे जाके ओके कर देना है, तो ये एल्बम जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वन फोटो एल्बम सेलेक्टेड, मतलब ये पर्टिकुलर यही एल्बम जो है अभी ये डाउनलोड होगा। अब आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे आइए, और सबसे नीचे आपको जो है नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइल टाइप चूज़ करना है और फ्रीक्वेंसी एंड डेस्टिनेशन ये आपको दिखाना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में पूछ रहा है डिलीवरी मेथड, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है सेंड डाउनलोड लिंक वाया ईमेल, आप इसे ही रहने दीजिए, आप चाहे तो ड्राइव पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट हमें ईमेल पे हम इस लिंक को मंगा लेते हैं। इससे आपका जो लिंक है आपके ईमेल आईडी पे, जब ये फाइल एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा तो आपको ईमेल आईडी पे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके क्लिक करके आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता ये है कि ये जो लिंक है ये 1 हफ्ते के लिए जो है वैलिड होता है, आप 1 हफ्ते के अंदर कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाइए, फाइल टाइप पूछेगा, फाइल टाइप में आप जिप रहने दीजिए, जिप ही सबसे कन्वीनियंट होता है, जिप रहने दीजिए। अब यहाँ पे साइज़, साइज़ आप कितना साइज़ का फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास अगर ज़्यादा फोटो नहीं है तो 2 GB के अंदर हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास बहुत ज़्यादा फोटो आपको लगता है कि इस एल्बम में या आप जो भी डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ से जाके आप 50 GB सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप जो है ये जो है क्या करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उस फाइल को एक्सपोर्ट करता जाएगा। ओके, तो हमारा हमारा तो अभी एक ही एल्बम है, तो वो तो 1 GB के अंदर ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1 GB सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपल आपका सारा काम हो गया, अब सिंपल आपको ये क्रिएट एक्सपोर्ट का जो ब्लू बटन दिख रहा है ये आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि गूगल प्रोसेस कर रहा है इस चीज़ को, गूगल इज क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ फाइल्स फ्रॉम गूगल फोटोज़, दिस प्रोसेस कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। ओके, ये मतलब बोल रहा है कि अभी ये प्रोसेस में चला गया है, आपके सारे फोटोज़ का बैकअप करके लिंक तैयार किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिंक भी तैयार हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी इसने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि ये लिंक जो है कितना MB का बना है, सारे फोटोज़ का 112 MB का ये इसने एक्सपोर्ट लिंक तैयार कर दिया। ये कब से कब बनाया गया है, जून 13, यानी कि आज बनाया गया है, और ये अवेलेबल रहेगा कब तक, जून 20 तक, 20 जून तक आपके पास समय, यानी कि 1 हफ्ते का आपको समय देता है डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद ही अपने आप एक्सपायर कर जाएगा। ओके, अब आपको चेक करना है आपके ईमेल को, आपके ईमेल पे लिंक आया है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मेल के द्वारा भी नोटिफाई कर दिया जाएगा, ये देखिए यहाँ पर एक मेल आ गया है, ये देखिए मैंने आर्काइव के लिए रिक्वेस्ट किया था तो बैकअप होना स्टार्ट हो गया, तो उसका भी मेल आया, और ये जो अभी अभी जो लेटेस्ट मेल आया है ये ऊपर में दिख रहा है, योर गूगल डेटा इज़ रेडी टू डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा मेल आपको दिखाएगा कि आपका जो गूगल डेटा है वो रिक्वेस्टेड ऑन 13 जून, 13 जून को रिक्वेस्ट किया गया था, अब इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये वैलिड है 20 जून तक, ये लिंक वैलिड है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डाउनलोड योर फाइल्स इस पर क्लिक करेंगे, तो बेसिकली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करके यहीं पे ले जाएगा, मतलब कि ये वाले लिंक पे लेके आएगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, आप यहाँ पे जाइए, आप इस पर क्लिक करिए। ओके, तो ये घुमा फिरा के आपको, अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, ये आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पे लाया है, वापस से आपको वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड दे देना है। अब देखिए घुमा फिरा के आपको ये उसी जगह पे ले आया, यानी कि मैं जो इस जगह की बात कर रहा था, अब यहाँ पर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा डाउनलोड वाले ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए जगह पूछेगा, आप यहाँ पर जाके आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पे करके दिखा दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और इसको सेव कर लीजिए, ये आपका जो है सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब ये धीरे धीरे जिप फाइल में इसको सेव कर देगा, मैं आपको सेव करके भी दिखा देता हूँ। चलिए, अब हमारा जो है डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पर जाते हैं। ओके, और वहाँ से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल जो डाउनलोड होकर मिल गया है, इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमारा ये फाइल मिल गया है हमें सारा यहाँ पे, इसको मैं एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू, चलिए इसको डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके करते हैं, एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो अभी हमारा एक्सपोर्ट होके बाहर निकल चुका है, डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। अब इसे फाइल को क्लोज करते हैं, अब मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ इस एल्बम का सारा फोटो हमें मिल गया है कि नहीं, तो हम इस एल्बम को इस फोल्डर को खोलते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर टेकआउट नाम का फोल्डर बन गया है और इसके अंदर जो है हमें अपना ओरिजिनल एल्बम मिल गया है गूगल फोटोज़।
ये देखिए यहाँ पे हमारा जो एल्बम का जो नाम था वो सेम नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा, 2019 54 एवेंजर एंड गेम। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सारे फ़ोटोज़ वही है, ठीक है, देखिए सारा फ़ोटोज़ आपको मिल गया जैसा था वहाँ पे, एज इट इज़ आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड होकर सारा फ़ोटोज़ मिल जाएगा। ओके, तो ये था कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे फ़ोटोज़ जो कि आपके इसी एल्बम में थे, देखिए इसी एल्बम से मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। सेम सारे फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे डाउनलोड होकर मिल गए एक जगह पर। तो ये मेथड से आप जो है आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे सेटिंग्स कर लेने के बाद आपका जो सारा डेटा है, आपके जो सारे फ़ोटोज़ वीडियोस हैं, जितना भी डेटा आपका है वो सभी एक जिप फाइल में आपको मिल जाएगा। आप इसको अपने लैपटॉप में आराम से स्टोर कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर में आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। अब आपके आपके पास जो है आपका सारा डेटा आपके पास सुरक्षित आपको मिल गया है। अब आप इसके साथ जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी अदर क्लाउड स्टोरेज सर्विस पे इसको अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, डेटा आपके हाथ में है, आपके लैपटॉप में है, आप इसको चाहे तो जहाँ भी आप अपलोड कर दीजिए। तो ये है वो अमेजिंग मज़ेदार ट्रिक जिसके द्वारा आपका काफ़ी लंबा जो काम है वो चुटकियों में हो जाएगा। अगर आप इसको मैन्युअली गूगल फोटोज़ में जाके सारे फोटोज़ को सेलेक्ट करके एल्बम बाय एल्बम आप इसको डाउनलोड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सारे फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करके डाउनलोड करने जाएंगे तो भी बहुत समय लग जाएगा। तो ये सारी हेडेक से बचने के लिए ये एक बहुत आसान तरीका है जिसके द्वारा आप एक ही बार में सारी चीज़ों को अपने लैपटॉप में एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये जो ट्रिक है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप इसको करिए और कैसा लगा ये तरीका आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस तरह के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड जय हिंद।